के द्वारा और ये स्वर्ग के समान है बाबू जी, कभी कभी सुंदर कहना है सुल्तानपुर से चल के आए प्रदेश सचिव यूजन महा सभा के आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और भैया की तरफ से 201 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है। नमन कंदन आशीर्वाद की कामना है, कहना है कि नंद महर धाम नंद आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग बात को समझ लें, एक पांडव नाम का राजा था बाबूजी, वो भगवान कन्हैया का रूप धारण करके अपना बुझाना चाहता था, जहां जहां तक जाए बड़े बड़े को परेशान करके और देखे नकली पौधा भी बना दिया, अपना भगवान कन्हैया बन के जैसे भगवान कन्हैया का रूप है ऐसे बन के जाना चाहता था और जबरदस्ती लोगों को मार पीट के कि मेरी पूजा करो, मैं भगवान कन्हैया हूं, ऐसा कहकर करके बाबूजी अपना धाक जमाना चाहता था। लेकिन जब भगवान कन्हैया को पता चला तो जा करके उस कॉन्ट्रैक्ट को बाबूजी काशी में भगवान कन्हैया वध करते हैं, और जब काशी में वध करने के लिए भगवान कन्हैया गए तो थोड़ा लौटने में समय लग गया। अब इधर से नंद बाबा अपनी सेना लेके पर्दे के पास, देव अपनी सेना लेके भगवान कन्हैया के हेरे निकले कि ज्यादा समय हो गया, चल के देखा जाए भगवान कन्हैया कहाँ है। से
ये आशीर्वाद आया है, चरण में प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी देखे संजोग देखे, यही नंद बाबा के धाम पर बाबू जी तीन मिलन होता है। देखे नंद बाबा जब भगवान को हेरते हेरते यही पर पहुंचे हैं बाबू जी, और संजोग से वासुदेव जी भगवान को खोजते खोजते वो यही पहुंचे। हरी देखे संजोग बड़ा अच्छा रहा बाबू जी, ये पहले बहुत घनघोर जंगल था, आप लोग कथा में सुने होंगे, ये बहुत घनघोर जंगल था बाबू जी। अब भगवान को खोजते खोजते और देखें भगवान उसे पांडवों को मार करके और अपनी सेना के साथ भगवान कन्हैयो यही पहुंच गए। देखे तीनों जने के जमात अलग अलग लगी बाबू जी, उसे भगवान कन्हैया की मूर्ति बना के ये लोग यहाँ पूजा कर रहे थे। प्रमाण मिलता है कि तीन दिन यहाँ तीनों जने की सेना टिकी थी बाबू जी। तो कहना है अरे नंद वसुदेव खबर, अरे नंद वसुदेव खबर, अरे लेकर रहे नंद महर धाम नंद हमारे भीखी पूर्वा की पावन धरती से माननीय श्री राम कुमार यादव भैया की तरफ से एक से एक रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है, नम्र वंदन है, सुखी जीवन की कामना है, और साथ साथ आशीर्वाद की कामना करते हुए अगले बंदन में बाबू जी कहना है। अब देखा यही यही धाम पर तीनों जने से भेंट हो गई, जवन बाबा नंद के साथ में सेना रही, वासुदेव के साथ में सेना और भगवान कन्हैया के साथ में, यही बाबूजी यही नंद महर धाम पर तीनों जने से भेंट हो गई। और जब भेंट हो गए तो हुआ क्या हमारे शिवहर भैया यादव जी हरदासपुर के पावन धरती से एक से एक रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है, नम्र वंदन है, सुखी जीवन की कामना है, और कहना है भेंट भई नंद बस दाओ श्याम दाऊ श्याम से वासुदेव नंद बाबा श्याम से यही तीनों जने से मुलाकात है गे। लेकिन हुआ का ओ भैया ये विश्राम नंद धाम यस दान अलग है, भगवान कन्हैया की सेना अलग है।
माननीय श्री राजकरण यादव पहलवान पूर्वा के धरती से 501 रुपए का सम्मान है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रामलाल यादव जी बगिया के गांव धरती से मुझे 111 रुपए का सम्मान है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। स्तुति जीवन की कामना है, लेकिन कहना है बाबू जी तीन छावनी बनले आज तीनों गांव। देखा जेके जेके सेना जहां जहां टिकी रही वह स्थान वह जगह का नाम बन गया बाबू जी। नाम का पड़ा कि तीन छावनी बनले आज तीनों गांव। कौन गांव? हरिकरणपुर, वासुदेव साईपुर, यही बगल में बाबू है हरिकरणपुर बसाईपुर। अच्छा अच्छा नंदियामा भी है। तो आप लोग जान लिया कि नंद बाबा जहाँ टिका रहे वह गांव का नाम नंदियामा पड़ा। भगवान कन्हैया जहाँ टिका रहे वह गांव का नाम हरिकरणपुर पड़ा। जहाँ वासुदेव अपनी सेना लेके टिके थे उस गांव का नाम बसाईपुर पड़ा। आप लोग जान लीजिए कहना है तीन छावनी बन गए आज तीनों। ब्रिजेश यादव हमारे भैया की तरफ से 50 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना है। कहना है महिमा निराली कार्तिक गुणवासी। महिमा निराली कार्तिक गुणवासी। प्रमाण मिलता है कि वही समय ये तीनों जने से यहाँ मिलन होता है। भगवान कन्हैया की मूर्ति स्थापित हुई बाबू जी। तीनों जने जहाँ जहाँ रुका रहे हुए तीनों गांव के नाम अलग अलग पड़ा। और वही समय से बाबू जी कार्तिक महीना में ये कभी प्रमाण देता है कि नंद बाबा के मेला लागेगा। सब लोग दर्शन करने आते हैं और धीरे धीरे बहुत बड़ी धामाज बन गई। हमारे परम सत्य माने आदरणीय श्री राम अभिलाष यादव, ये हमारे फौजी साहब हैं, ग्राम पूरे सुबेदार ब्रह्म गायक श्री छबिलाल पाल जी के लिए ये सप्रेम भेंट 201 रुपये का सम्मान हमारे फौजी साहब के लिए आया है। और फौजी साहब को हम दो लाइन आशीर्वाद देंगे। लेकिन कहना है हमारे राम उदित यादव जी वरिष्ठ सपा नेता 500 रुपये का सम्मान समाजवादी पार्टी। और कहने मतलब गीत ये सुगना संवाद फरमाइश आई है सीता सुगना संवाद के लिए बाबू जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए का सम्मान आशीर्वाद की कामना है। कहना कहना है महिमा निराली और कार्तिक पूर्णमासी। No, no, no.
स्थान हमारे गुरु जी अपने लेख में दिए हैं, ये अगर जातवाई मेला लगता है यादों का तो नंद महाराज जैसा मेला कहीं पूरे भारत में नहीं लगता है। ये हमारा पूजनीय नंद महाराज है बाबू जी, जो कि जातवाई मेला इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। भारत की बात कर रहा हूँ, जिला प्रदेश बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे गुरु जी लेख में दिए हैं बाबू जी। चंद्रभान यादव मिश्रपुरवा की धरती से 200 रुपए का सम्मान आशीर्वाद की कामना बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे गांव प्रकाश यादव जी हैं कोटेदार, आप गांव ये तेजगढ़ के पावन धरती से 111 रुपए का सम्मान है, आशीर्वाद की कामना बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वही शंभुनाथ यादव जी हैं 100 रुपए का सम्मान, ग्राम पूरे उदयी ये मछबारा के धरती से राम किशोर यादव जी हमारे वीर राम उनके पावन धरती से 100 रुपए का सम्मान, दोनों भैया के बहुत बहुत धन्यवाद की जीवन की कामना है। 100 रुपए का सम्मान हमारे सुरेश यादव मिश्र का पुआ की धरती से भैया के बहुत बहुत धन्यवाद की जीवन की कामना है। राम प्रताप यादव जी हैं आपकी तरफ से बाबू जी 51 रुपए का सम्मान है, आशीर्वाद की कामना है। एक बड़ी खुशी हुआ भैया, जातवाई मेला में बड़ा सुनने के देखे क्या मिलता है, शिक्षक ने भैया की तरफ से चंदापुर की धरती से 101 रुपए का सम्मान है और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे, अच्छा अच्छा इनकी ये कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है गांधी पार्क खाना। तो भैया की तरफ बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद है, 101 रुपए का सम्मान है। यहाँ देवता भी खुश हैं और भूत प्रेत कंटाई भी खुश हैं, कार्तिक पूर्णमासी के दिन अरे बाप रे बाप, जे नहीं खेले के अगर हिया आ जाए तो बाबा के ऊपर खुश हो जाते हैं, कहना है कुलदेव सम्मान है और भैया के बहुत बहुत धन्यवाद सुखी जीवन की कामना है। ए भैया, अरे बाबू जी पूजा और पाठ हो तो होम यज्ञ करिया, कहना है नाच भूत प्रेत मन के, सही है ना भैया, बड़ा बड़ा देवता भाग यानी भूत प्रेत यहां से हमारे ओझा लोग पुजारी लोग कार्तिक पूर्णमासी बाबू जी पूरा रात भर कचरवा मचा रहा था, बड़े बड़े बाबू जी जो था जे बनबन आवा थे जब बाबा के धाम पर आवा थे भैया के यहाँ बाबा से माफी मांगे, बाबा आप जाते हैं अपने धाम का, चाहे वो ब्रह्म हो चाहे भूत हो चाहे प्रेत हो चाहे चुरेन हो चाहे चंदारी हो, ए भैया
परसों बाबूजी श्याम चरितमानस पाठ यहाँ किया गया, जो हमारे गुरु जी ने 9 खंडों में श्याम चरित महाकाव्य की रचना किए हैं। ऐसे हमारे गुरु जी आपके बीच बैठे हैं, पूजनीय श्री माधुराम यादव जी, इनका नाम खास में दिया गया है, जैसे बाबा वाल्मीकिदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, उससे हमारे गुरु जी का नाम दास में दिया गया है। तो हमारे माधवदास जी श्याम चरितमानस 9 खंड में लिखे हैं बाबू जी, वहाँ पाठ हुआ था कल हवन 11वीं हवन, और माता श्री सीताराम यादव 51वें का सम्मान, ये हमारे शीतला प्रसाद यादव जी 51वें, ये हमारे यादव सुरेश, ये अच्छा ये सुमेरपुर के पावन धरती से कोरबा के हमारे भैया की तरफ से 101वें का सम्मान आशीर्वाद आया है, नम्र वंदना आशीर्वाद की कामना है। राम फेर यादव हमारे ये मोहन मोई गौरीगंज के धरती से, और उनके सुपुत्र हैं त्रिभुवन यादव, फाइव स्टार होटल के आप मैनेजर हैं, भैया की तरफ से 101 रुपये का सम्मान है, आशीर्वाद की कामना है। हलियापुर हमारे बलदेव यादव की तरफ से बाबू जी 51 रुपये का सम्मान है, आशीर्वाद की कामना है। और कहना है कि श्याम चरित मानस और पाठ भंडार रानापुर
ये हमारे अंकित टी स्टार समय हेमगढ़ के धरती शिवाव जी की ओर मेगा सम्मान अंकित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद सुखी जीवन की कामना। लालक पुरवा के हमारे केदार यादव जी हैं भैया की तरफ से क्या और मेगा सम्मान है आशीर्वाद की कामना है बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों ये थोड़ा सा चित्रण रहा और अब आप लोग चलिए विराह की तरफ। विराह की कई फरमाइश बात तो हम आप लोगों के ले चलते हैं और थोड़ा थोड़ा सबकी फरमाइश पूरी हो जाए। तो देखें ये टीका।